Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं The Resident Evil 4. तो जैसे कि आप सभी लोग को पता ही है कि इस गेम में मैं हूँ एक पुलिस ऑफिसर जो कि आ चुका है एक ऐसे गांव में जहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब ज़ॉम्बीज रहते हैं. By the way, मैं यहाँ पर कोई टाइम पास वगैरह करने नहीं आया हूँ. मुझे यहाँ पर भेजा गया है एक बहुत बड़े मिशन के लिए, क्योंकि जो US प्रेसिडेंट है उसकी बेटी को इस गांव के लोगों क्या इस गांव के ज़ॉम्बीज ने किडनैप कर लिया है और कहीं तो ले जाकर छुपा दिया है. तो मेरा काम है उस लड़की को रेस्क्यू कराना. तो लास्ट टाइम तो मैं उसे ढूंढने की काफी कोशिश कर रहा था, क्योंकि इन लोगों ने शायद से किसी चर्च में उसे बंद करा है. तो मैं वहां तक जा रहा था, पर तभी एक घर में एक अंडरटेकर जैसा बंदा आया, उसने ऑलमोस्ट मेरे को मार ही डाला था, पर तभी किसी लड़की ने मेरी हेल्प करी. अब पता नहीं वो कौन थी, वो सुपरमैन की तरह आई और मुझे बचा के चली गई. अब देखते हैं आगे क्या होता है, मैं उसे ढूंढ पाता हूँ या फिर मैं जिस लड़की को रेस्क्यू करने आया हूँ उसे ढूंढ पाता हूँ. हाँ, मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि एक लड़की तो वो है जिसे मैं बचाने आया हूँ और यहाँ पर एक लड़की और है जिसने मुझे बचाया. पता नहीं क्या चल रहा है. वेलकम बैक गाइस टू द रेजिडेंट एविल 4. चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न, जो निकालना निकाल लो और इन्जॉय करो एपिसोड को खाते पीते. बाकी हाँ, अपना टास्क अभी भी वही है कि मुझे चर्च के लिए जाना है, क्योंकि हो सकता है ज़ॉम्बीज वहीं पर हो. बट एक सेकेंड, ये क्या है? यहाँ पर एक लीवर है, इससे कुछ होने वाला है क्या? इसको मैंने डाउन करा. वेट, ऊपर से कुछ तो मस्त खुला है. ये सीढ़ियाँ खुली हैं ऊपर. ऊपर जाने का रास्ता तो है नहीं, मैं ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर जाने के लिए शायद एक बंदे की ज़रूरत और पड़ेगी, पर पता नहीं मैं कैसे करूँगा. बाकी हाँ गाइस, यही है वो रूम जहाँ पर लास्ट टाइम मेरी कुटाई हुई थी. वो अंडरटेकर इसी दरवाजे से घुस कर आया था और उसने जो पीटना शुरू करा था ना भाई, कसम से मेरे को लग रहा था कि अब मैं मरने वाला हूँ. पर हाँ, तभी किसी बंदे ने मेरी जान बचाई. मैं यहीं से नीचे जा सकता हूँ अभी, पर मेरे को डर लग रहा है कि कहीं वो मेरा नीचे वेट ना कर रहा हो. ठीक है, भाग कर निकलते हैं. मेरे पास गन्स है, स्नाइपर है, राइफल है, शॉटगन है, कुछ ना कुछ तो मैं उसके मार ही दूंगा. ये उसे कौन है? एक तो इसमें ना चूहे इतने सारे घूमते हैं गेम में कि समझ नहीं आता चूहों की आवाज़ है बंदों की. बट हाँ, ये घर उसी बंदे का है. यहाँ पर उसकी टोपी पड़ी हुई है और उसका कोट पड़ा हुआ है. मेरे को यहाँ से यार बाहर निकलना चाहिए. बाहर बहुत ही अंधेरा हो चुका है. ये तो किचन है यार, इतना अंधेरा है कि कुछ भी सही से नज़र नहीं आ रहा. मैं भूल गया हूँ मैं कहाँ से अंदर आया था इस घर में. ओ वेट, यही तो है, यही है वो दरवाज़ा. मैं बस इस घर में चाबी लेने आया था, क्योंकि ओह कौन है वे, वहाँ से किसी कुत्ते की आवाज़ आ रही है. ओ वेट, ये कोई डॉग नहीं है तो एक वुल्फ है. मैं इसे खोल दूं कि मैं यहाँ से चले जाऊं, क्योंकि मैं एक दरवाजे की चाबी लेने आया था जो कि है ये दरवाज़ा. मैं इसे खोल के यहाँ से जा सकता हूँ, पर यार इस वुल्फ पे मेरे को दया आ रही है यार. इसका देखो पैर अटक गया है यहाँ पर. ओ भाई, ये तो खूनम खून हो रहा है. देख, मैं तेरे को बचा रहा हूँ, तू मेरे को बाद में काटी हो मत. मेरे को हस्की से बहुत प्यार है और ये थोड़ा हस्की जैसा ही दिख रहा है. ओके, ओ भाई मारी हो मत मेरे को तू, तो बचाया मैंने. ओ, प्यारा था यार, इसने नहीं मारा मेरे को. ऐसे हर कोई बुरे नहीं होते, मतलब वो बात अलग है कि उसका पैर अटका नहीं होता तो वो जरूर मेरे को काटता. पर ठीक है, मैंने भी इसको बचा लिया है. मैं यहाँ से निकलता हूँ यार, अभी यहाँ से फटाफट मुझे निकलना होगा, क्योंकि अंधेरा हो चुका है भाई. बहुत गलत रात हो रही है. ये चाबी मैंने अंदर से ली थी, इसको लगाया, लेट्स गो. दरवाज़ा ओपन हो चुका है, ताकत लगानी पड़ती है भाई, वो बहुत भारी दरवाज़ा है. भाग के चलते हैं. और क्यों इतना अंधेरा है यार यहाँ पे? ओ वेट, यहाँ पर एक दरवाजा है आई थिंक. मैं भाई भागो भाई, इस जगह पर मैं पहले आया हूँ. वहां पर ऊपर कोई तो है जो कि भागा मेरे को देख के. मेरे को देख के भागा तो मैं फेड़ दूंगा अगर तूने अटैक करा तो. भाई अंदर से अभी मेरे को वुल्फ की आवाज आ रही है, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी उनसे फाइट होने वाली है. लेट्स सी. ओके, मैं वापस आ चुका हूँ भाई उस विलेज में. अच्छा, दरवाजा बंद होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. मैं उस विलेज में वापस आ गया हूँ जहाँ से मैं भाग कर गया था. इधर ही है वो चर्च जहाँ पर भी मुझे जाना है, क्योंकि हो सकता है उस चर्च के अंदर ही उन्होंने उस लड़की को छुपा रखा हो. तो तेरी भैंस भाग ऐसे. उसके तगड़ा शॉट मारा, बट 3 बुलेट वेस्ट कर दी. मेरे को शोर नहीं करना है भाई, चुपचाप चलता हूँ. ये है वो चर्च पूरा, इसके अंदर जाना है मुझे पक्का. उन्होंने प्रेसिडेंट की बेटी को, ओए मैं कहने जा रहा था यहीं पर छुपा रखा होगा, पर किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया और यहाँ पर वो कोई बिल्डिंग गिर गई. पर इधर बहुत सारे भाई भेड़िए आ गए हैं. ओ भेड़िए नहीं 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 मेरे भाई है तो. ओए तेरी, वो बचना कैसे, मारो. वाह मजा आ गया, मजा आ गया. ओए
ट्रैप को भी अभी लगना क्या मेरे पैर में? हट जा बेटा, मेरे पास ग्रेनेड है ना, तुम्हें मैं मार डालूंगा बहुत गंदे वाला। ये लो, और तू इधर आ। अबे स्मार्ट तो मैं हूँ, आ जा बेटा। हाँ क्या कह रहा था, ले ले। वो तेरे में बहुत ज़्यादा ताकत है कि फास्ट फास्ट कितना है, निकल यहाँ से भाई। लेकिन जो भी हो, पाँच छः आए थे मेरे पास, अगर ग्रेनेड नहीं होता तो या तो मैं मर जाता या फिर मेरी सारी बुलेट्स ख़त्म हो जाती, पर अभी कुछ भी नहीं हुआ भाई, मैंने इन्हें ईजिली मार दिया। हाँ ये बात अलग है, इन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत काटा है। मेरे पास हीलिंग के लिए कुछ हर्ब्स हैं जिसे मैंने यूज़ कर लिया है, बहुत सही। अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं यार, ये बिल्डिंग। ओ एक सेकेंड, मेरे को जिस चर्च तक पहुँचना था उस चर्च पे जाने का बिल्डिंग गिर गया। पर ये इतना अजीब सा म्यूजिक क्यों बज रहा है भाई? भाई इस गेम में जब भी म्यूजिक बजते हैं ना, तब कोई ना कोई गड़बड़ होती है। मेरे को उस चर्च तक जाना था बट ये पूरा टावर गिर गया, अभी मेरे को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। पागल को लग ही रहा था यहाँ कोई है, लग ही रहा था। यहाँ पर एक ट्रिप वायर भी है जिसे मेरे को ऑफ करना होगा। हटाओ इसे, तू दे भी कुछ, रीलोड करो भाई। यहाँ पर कुछ दो डब्बे पड़े हैं, तोड़ो इसे। इन डब्बे उब्बों को तोड़ने से सामान वगैरह मिल जाता है। फर्स्ट एड स्प्रे, राइफल एमो, राइफल में है अच्छी खासी एमो। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास वेट मैं कर सकता हूँ, मेरे पास गन पाउडर है, इसके थ्रू मैं शॉटगन एमो क्राफ्ट कर सकता हूँ। पर मेरे को 12 गन पाउडर चाहिए होगा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 है। तो ये क्या है? ओ नाइस, यहाँ पर एक दरवाज़ा था जहाँ से जॉम्बीज वगैरह अंदर आ सकते थे, मैंने उसे बंद कर दिया। फिलहाल अभी चलते हैं ऊपर। भाई मेरे को पिस्टल पूरे टाइम हैंड में रखनी चाहिए क्योंकि कभी भी काम आ सकती है। आई थिंक मैं यहाँ से निकल कर जा सकता हूँ क्या चर्च की तरफ? इधर है ना चर्च, यस। अरे नहीं, ये तो मैं घूम के यहीं आ गया ना, और उधर कोई है भी, नीचे है शायद कोई। कौन है भाई? आवाज़ तो आ रही है बट पता नहीं कौन है। खैर आगे बढ़ता है भाई, यहाँ पर एक रूम है। इस रूम ये सब मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, आई थिंक मैं यहाँ पर पहले आया हूँ। ये दरवाज़ा है एक, ओपन होना चाहेगा तू? यस। पता नहीं ये कोई नया दरवाज़ा है या फिर कोई पुरानी जगह, ये मैं वापस जाने वाला हूँ। पर जो भी है, मैं चर्च के पास तो नहीं जा रहा हूँ अभी, मैं किसी नई जगह पर ही जा रहा हूँ। हेलो पिक्स, तू मरेगा क्या? यस ये मरेगा। ओए मार क्यों रहा है तू? मरा है, मारा है। मुर्गी मारते भाई, इससे अंडा मिलता है, हीलिंग होती है उससे। शायद ये जो मरा है मुर्गा था भाई, इसने अंडा नहीं दिया। यार मैं भी क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ नहीं समझ आ रहा। वो चर्च का रास्ता मेरे को नहीं मिल रहा, मैं खाली पीली किसी गलत जगह पर आ गया हूँ, यहाँ कोई नहीं है, मेरे को वापस जाना होगा। चर्च के पास मैं कैसे जाऊँगा? ये एक दरवाज़ा है, यहाँ पर एक बक्सा पड़ा है, इस बक्से से मेरे को एक रूबी मिला। देखो ये है रास्ता चर्च के पास जाने का, पर मैं इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं चढ़ सकता, इन पत्थरों पर मैं नहीं जा पाऊँगा। कोई और रास्ता मेरे को मिल नहीं रहा है। वेट, वहाँ पर एक दरवाज़ा है, उसके थ्रू क्या पता कोई रास्ता हो। एक बार उधर चल के देख लेते हैं लास्ट। यहाँ पर सीढ़ी है, कोई तो रास्ता होना चाहिए यार, ऐसा थोड़ी है कि प्रॉपर ही चर्च ब्लॉक हो गया, मैं अब वहाँ जा ही नहीं सकता। वो है पक्का यही रास्ता है, मेरे को पहले ताला तोड़ना होगा। यस अब मैं जा सकता हूँ उस तरफ। वेट, ओ नहीं क्या करा मैंने ये। चलो सही है, मेरी हेल्थ नहीं गई। बट मेरे को भी एक नई चीज़ पता चली कि अगर मेरे को कहीं पर भी ये दिखता है तो मैं ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए भी इस ब्लास्ट को कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब गुड चीज़ हो गई है। ग्रेनेड मिल गया तो मैं तोड़ सकता हूँ। टूट टूट टूट, यस। ओहो हेलो सर, कैसे हो? ये लो एक और चाहिए। अरे ये तो ढीला ज़ॉम्बी था, एक मिनट हिल गया भाई। चर्च पे पहुँच, शांति से मारने का ना एक अलग ही मजा है। चुपचाप ज़ॉम्बीज मरते हैं, वरना यार बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई हो जाती है। खैर ठीक है, अभी चलते हैं अंदर। इसकी चाबी ये है, इसमें भी यही चाबी लग गई भाई। लेट्स गो, ओपन प्लीज। मैं चर्च में आ चुका हूँ बट वेट, चर्च में तो कोई है ही नहीं, डब्बे शब्बे पड़े हुए हैं। इसमें से हीलिंग मिल गई। कौन मारा? ओए सांप है यहाँ तो, एक ऐसे की तैसे फोड़ डालूंगा। ओए इसमें तो गोली नहीं है, देखो मैं दूर मारूं, बहुत गंदा, मर गया ना। यस भाई वाइपर था, काट भी लिया मेरे को, मेरी हेल्थ गई है भाई इसकी वजह से। शॉटगन की एमओ मिल गई है यहाँ पर थोड़ी बहुत, पर भाई ये चर्च कितना ज़्यादा बड़ा है अंदर से। ये सब क्या है यहाँ पर, इतने सारे स्केलेटन्स, बहुत स्कल पड़े हुए हैं भाई, बहुत बलियाँ चढ़ी हैं यहाँ पर। कोई बात नहीं, कौन है ये? अच्छा यही है भाई मेन विलन, जो इस कल्ट का लीडर है,
इसने मेरे को ऐसा लगता है पूरे गांव को ना हिप्नोटाइज करके अपने मतलब जाल में फंसा रखा है। सारे इसके लिए काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। पर उनको देख के ऐसा फील होता है कि पूरे गांव के नॉर्मल लोग थे बट अभी हिप्नोटाइज हो चुके हैं और वो मेरे को बस इसकी सुन रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। यहाँ पर भाई इतना बड़ा, ये किसका सारा है क्या ये? बंद करो भाई, पता नहीं इसके अंदर, नहीं भाई समझ नहीं आ रहा कहाँ आ गया हूँ मैं। बस यहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ ही हड्डियाँ पड़ी हैं, सच में ही भाई बहुत अजीब। इधर इधर शॉटगन की बुलेट बहुत मिल जाए भाई, लेकिन कुछ भी कहो। एक बार पीछे वाला एरिया चेक कर कर आता हूँ यार, इधर मेरे को कुछ भी कोई सीक्रेट चीज़ नहीं मिली जिससे मैं थोड़ा ढूंढ हंडी कर पाऊँ कि आखिरकार वो लड़की कहाँ हो सकती है उसके। पर हाँ यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता जरूर मिल रहा है। ओ अभी तो तेरे मैं बजा देता ये, लेकिन गाइस अच्छा बंदा है, मतलब ये हमारे साथ गन्स वगैरह ट्रेड करता है। पता नहीं कहाँ से मूट आके यहाँ पहुँच जाता है। वेल आई गॉट अ ट्रीट फॉर यू, द बोल थ्रो इज समथिंग एल्स, इट्स पोल्स कैन बी रिट्रीव्ड एंड रीयूज्ड। भाई पता नहीं कोई नई चीज़ बेच रहा है, स्कीमें लाते रहता भाई ये। पर ठीक है मेरे को लेकिन अच्छी चीज़ें इससे खरीदनी है जिसको लेकर मैं ज़ॉम्बी से फाइट कर सकूं। बात करते हैं इससे, देखते हैं। पहले मैं कुछ चीज़ें बेचता हूँ इसको, जो जो मेरे को मिली है ना मैं इसे बेच सकता हूँ। जैसे मेरे को वाइपर का स्किन मिला था, एमरल्ड मिला है, रूबी मिला है, और मैं इसको कुछ फिलहाल बेचने में तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये एक मेरे को मिला था पर पता नहीं ये किस काम का, ये बिक जाएगा शायद से, तो बेच देते हैं। ठीक है तो मैंने काफी सारी चीजें इसे बेच दिया, मेरे पास 32,000 पैसेट्स हो चुके हैं। 32,000 पैसेट्स का यूज मैं कर सकता हूँ कुछ मस्त चीज खरीदने में। बाय करते हैं, ओ वेट मैं स्कोप ले सकता हूँ, एक 4,000 का ही है। यहाँ पर कुछ नई गन भी है, बोल्ट थ्रोअर स्पेशल ऑफर है, 8,000 की दे रहा है। पर यार मेरे पास ना प्रॉब्लम यह है कि इतनी जगह नहीं है, अगर मैं इसे सॉर्ट भी कर दूं तभी मेरे पास इतनी जगह बच रही है। पर एक सेकेंड, मेरे पास ना यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज भी रहते हैं जिसमें मैं चीज़ें रखवा सकता हूँ, तो जिस गन का मेरे को जरूरत नहीं है मैं उसे स्टोर करा सकता हूँ। वैसे ही वो यहाँ पर पड़े रहेगा तो मैं आगे चेक पॉइंट्स पे उसे ले पाऊंगा। तो मैंने शॉटगन रखवा दिया वहाँ पर फिलहाल के लिए, क्योंकि मैं ट्राई करूंगा शॉटगन की जगह मैं एक SMG यूज़ करूँ। तो बाय करते हैं इसे बोल्ट थ्रोअर, पता नहीं ये क्या फेंकेगी ये गन, बट परचेज कर लेते हैं। ओके तू चुप रहे, मेरे को बेच गन। एक स्कोप भी बेच दे, स्नाइपर पे मैं लगाऊंगा, और फर्स्ट एड स्प्रे ले लूं क्या? देखने दे यार, हील पड़ी है मेरे पास, जरूरत नहीं है तो मैं इसे क्राफ्ट कर लेता हूँ कुछ। तो मैं थोड़ी बहुत एमो क्राफ्ट कर सकता हूँ, हैंडगन का, शॉटगन का, सब मशीन गन का भी कर सकते हैं। भाई बढ़िया बंदा है तो सब कुछ खरीद लेता है, इसे मैं फालतू की चीजें बेच ही देता हूँ। ले भाई मेरा किसी काम की नहीं थी, फालतू चीजें मैंने इसे बेच दिया। अब मैं ये ले लेता हूँ फर्स्ट एड स्प्रे, केस अपग्रेड लूंगा तो मेरे पास जगह बन जाएगी। ओ वेट, मुझे ये चीज पहले पता होती तो मैं ये लेता, यानी जो भी शॉटगन मैंने यहाँ पर लोड कराई है मैं उसको भी कैरी कर सकता हूँ। भाई ये हुई ना बात, ओ भाई तू तो बड़ा सही बंदा है यार। अब मैं कुछ कुछ चीजें रिपेयर कर सकता हूँ, जैसे मेरा नाइफ टूट गया था, इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। पर भाई पैसा खत्म, चुप रहा हो गया बहुत। अबे रुको तू तो लूट रहा है भाई, इसने मेरे को एमो तो बेचा ही नहीं। एक ही बोल्ट्स का मेरे को ना रेसिपी खरीदना होगा जिससे मैं इसका बुलेट्स बना पाऊंगा। मेरे पास ये वाला जो गन है ना इसका सिर्फ और सिर्फ 3 ही गोलियां हैं, तो अभी मैंने इसे रेसिपी ले लिया तो उनको पता चल जाएगा कि मेरे को इसकी गोलियां कैसे बनानी है। फिलहाल मैंने ना एक स्कोप खरीदा था तो इसके पार्ट्स में मैं अटैच कर सकता हूँ। यस तो अभी मेरे पास ये जो स्नाइपर है इसमें स्कोप लग चुका है भाई, दूर दूर के ज़ॉम्बीज़ उड़ाएंगे अभी तो। ठीक है पिस्टल को मैं लेकर चलने वाला हूँ क्योंकि इसकी बुलेट्स बहुत सारी है। भाई भाई क्या चल रहा है यार, ये क्या है, ये ले लेता हूँ। लेट्स गो गाइस, वापस से चलते हैं भाई अपने मिशन पे, दोबारा से लड़ाइयाँ होने वाली हैं। शॉटगन का बहुत सारा एमओ है तो मैं इस बार तो भाई फोड़ने वाला हूँ गंदा। रीलोड कर लेते हैं इसको, जो आया ना मैं पीटूंगा उसे। मैं जिसमें गया था वो चर्च नहीं था गाइस, वो कुछ और था छोटा सा। अभी जहाँ पर आया हूँ मैं वो है असली चर्च। ये भाई साहब जी झाड़ू लगा रहे हैं, सॉरी मेरे को एक तू ही अच्छा ज़ॉम्बी लगा था, पर तो को मेरे को मारना पड़ेगा। गंदी तरह ये आदमी नहीं, नहीं मर जा। मेरे पास अभी चार गन है भाई, चारों लेकर मैं अपने साथ चल रहा हूँ। बट ठीक है अभी मैं आ गया हूँ मेन चर्च पे। मैं अभी जहाँ इससे पहले गया था वो एक अलग जगह थी, ये है मेन जगह जहाँ पर हो सकता है बहुत सारे ज़ॉम्बीज हों। प्लीज़ ओपन हो जा। यस हो गया भाई, मेरे को फील अभी ना अच्छी नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कुछ तो गलत सीन होने वाला है। ओके पागलों की तरह दिमाग मत लगा, साफ दिख रहा है यहाँ पर कुछ लगाना है। मेरे को कॉल आया हेडक्वार्टर से, ओ मैंने कॉल करा है। नेगेटिव नथिंग येट बट दे श्योर डू हैव दिस प्लेस लॉक्ड अप टाइट। आई सी, आई कैन थिंक ऑफ वन रीजन दे वांट टू डू सो।
Okay. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in. अपने बंदे को 100% श्योर है कि वो जो लड़की है वो यहीं पर है. इसने हेडक्वार्टर वालों को भी बता दिया कि वो यहीं पर है. पता नहीं वो लोग कुछ हेल्प तो कर रहे हैं नहीं, बस बात करते हैं फ़ोन पे आके. बट ठीक है, मैं यहाँ पर अपना आगे बढ़ता हूँ. मेरे को चीज़ें संभल के देखनी है. लेट्स गो. यहाँ पर एक बक्सा पड़ा हुआ है. क्या इस बक्से के अंदर? ओह, कुछ तो मस्त चीज़ मिली, पता नहीं किस काम आएगी. यहाँ पर रिसोर्सेज मिल रहे हैं जिससे मैं गन की बुलेट्स क्राफ्ट कर सकता हूँ. वेट, मेरे को रेसिपी पता करना है कि बोल्ट्स क्राफ्ट करने के लिए मुझे, अच्छा, एक नाइफ चाहिए होगा और बोल्ट्स चाहिए होंगे. सब मशीन गन एमो के लिए मेरे को 6 गन पाउडर और रिसोर्सेज चाहिए दूसरे वाले जो कि मेरे पास हैं. बट यार इधर कुछ था ही नहीं. मैं ये तो पूरा बंद रास्ता है, आगे वाली साइड भी बंद है. मैं जाऊँगा कहाँ पर? कोई तो सीक्रेट दरवाज़ा है, गली है जो मैंने मिस कर दी और वो ये है. ओपन प्लीज. यस. कोई है तो नहीं अंदर? मैप है कह रहे यहाँ पे, लेक साइड मैप. अ पेस्ट फ्रो ही आउटसाइड. इसमें कुछ वर्ड मिसिंग है क्या? अ पेस्ट फ्रॉम द आउटसाइड हैज कम फ्रॉम द गर्ल, शायद. पता नहीं, यही लिखा है. लॉक हर इन द चर्च एंड कुछ वर्ड्स मिस है और ऐसे लिखा हुआ है. द ऑर्डर फ्रॉम आर लॉर्ड अनटिल देन कीप द चर्च डोर शट. The key will be held in the cave on other side of the lake. शायद ये लिखा है. The monster will de-. ठीक है, जो key है वो cave की दूसरी side पर भी. मेरे को main मतलब key से है जिससे चर्च खुल पाएगा. मेरे को भी मेनली लेक पे जाना है. इसमें आधी अधूरी बातें लिखी थी बट हाँ, इतनी भी मुश्किल नहीं थी, हमने पढ़ ली है. और यहाँ पर कोई तो फोटो है. यही है वो लड़की जिसे हमें बचाना है. यही है प्रेसिडेंट की बेटी. फोटो ऑफ एशले. कीप हर लॉक्ड इन द चर्च अंटिल द अपॉइंटेड टाइम. किसी टाइम पर ये लोग उसे मारना चाहते हैं भाई, तो तब तक उसे लॉक करने के लिए बोला गया है भाई. ठीक है, मेरे को एक चाबी मिली थी उससे कुछ तो डब्बा खुला है. पता नहीं इसमें क्या है. येलो डायमंड. ठीक है भाई, डायमंड वायमंड नहीं चाहिए अभी मुझे. प्रेसिडेंट की बेटी को बचाना है. फटाफट चलते हैं लेक की दूसरी साइड पर. शायद से रास्ता यही होगा भाई. बंकर वंकर है. ड्रॉप डाउन, लेट्स गो. ये कहाँ गया मैं? ओ भाई, सीक्रेट रास्ता. कोई है? पता नहीं कौन है, आवाज़ आई थी बस. ठीक है, भाग कर चलते हैं. जो दिखा उसको मैं फोड़ने वाला हूँ. ठीक है सर, ये लो. हुआ आपको कुछ? अच्छा, नहीं हुआ क्या? तो ये लो फिर. ओए पागल, बहुत सारे लोग हैं. पास से शॉटगन मारने का ना मजा अलग है. कमरे में घुस के मार रहा हूँ भाई सबको. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा. ओ तेरी भाई, इसका निशाना बहुत तगड़ा था, मतलब मेरा खराब था. इसने गलत बजा दिया भाई मेरे को. अब तू पिटेगा बुड्ढे. खोल डालूंगा पूरा इसको मैं. कर यहाँ से भाई. गलत टाइम पर मेरा शॉट मिस हुआ और उसने चढ़ के पीटा है मेरे को. हेल्थ ले गया भाई आधी, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. छोटी मोटी हर्ब्स मिलेगी उससे मैं अपने आप को हील कर लूँगा. खैर अभी आगे कहाँ से जाना है? ये रास्ता. ओ ये सीढ़ियाँ हैं, लेटर से ऊपर चलते हैं. ओके ओके, सुन लिया मैंने. ये लोग चीज़ें जला रहे हैं पता नहीं क्यों. तू मरने वाला है बहुत. ओ नहीं यार, वो कितना हिल रहा था. वेट, अपने बंदे को जला दिया. तुम आग क्यों फेंक रहे हो? गई नीचे. तू ही पिटा पागल. ले लात. जिंदा नहीं होना, मरे रह भाई. डेंजर ज़ॉम्बीज है भाई ये तो. अपने आप को भी नहीं देख रहे, बस इनको मेरे को जलाने से मतलब है. चाहे अपने बंदे पे आग जाए, कुछ भी भाई, उसको ही जला. वेट, इसको हटाना है मुझे. अरे हट, आराम से. बस उस तार पे मैं टच हो गया ना, वो मेरे ऊपर ही ब्लास्ट हो जाएगा. नहीं ये रास्ता तो नहीं है. यहाँ पर दरवाज़ा बंद है पक्का, से खोलने का कोई तो तरीका होगा दूसरी साइड पे. लेट्स गो, इधर से चढ़ते हैं. अच्छा रास्ता खोलने की ज़रूरत ही नहीं, हम लोग दूसरी साइड से आ ही गए इस तरफ. ठीक है, मेरे को आगे से बहुत अजीब आवाज़ आ रही है. ठीक है भाई, यहाँ पर एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी पड़ी है.
और समझ लो ये इतनी बड़ी कुल्हाड़ी है तो कोई ना कोई तो इसे यूज करता होगा और वो पक्का बंदा भी बहुत ही बड़ा होगा। ओ भाई 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 कौन रहता है इधर? कौवे तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो। मेरे को वुल्फ दिखा, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा ले तेरी ऐसी की तैसी। तो नहीं ओ भाई स्नाइपर से नहीं, इतनी क्लोज में दे दिया उसके। पर ठीक है भाई, शॉट अच्छा था, शॉट बहुत प्यारा था, टच भी नहीं कर पाए। कौन है? क्या बॉस फाइट होने वाली है क्या यहाँ? इधर बॉस फाइट होने वाली है, इधर से मेरे को किसी की तो आवाज़ आ रही है, मैं बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा हूँ उसे। पर खोल नहीं सकता क्या मैं? नहीं खोल सकता भाई, बहुत डेंजर आवाज़ है भाई, उसको सोने की आवाज़ आ रही है। पर आवाज़ में जो बेस है ना, उसी से मेरे को पता चल गया कि यहाँ पर बहुत डेंजर माहौल बनने वाला है भाई। लेट्स गो भाई, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मेरे पास हीलिंग्स है ना, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है, हीलिंग होना चाहिए भाई। यहाँ पर ये लगेगा क्या चाबी? नहीं, इधर ये कुछ तो लगेगा। ओ ये क्या है? रिसोर्सेस, नाइस। मैं कहाँ आ गया हूँ भाई, ये कुछ नहीं समझ आ रहा। ओ पर्पल फायर का मतलब इन भाई सब्जी की दुकान। मर्चेंट टेप, ऑलमोस्ट ऑल द एक्सपेंसेस यू पुट इनटू। ओके ओके ओके, देयर आर एनफ वेपन्स हियर टू गेट अ पार्टी। रॉकेट लॉन्चर कहाँ से ले आया ये? कितने का बेच रहा है भाई? बाय। अच्छा अभी बेच नहीं रहा क्या? नहीं चाहिए वैसे भी मेरे को, अभी कुछ नहीं चाहिए। चुप रहा है, हर बार जब भी आओ से सामान ना खरीदो तो बोलते हैं नेक्स्ट टाइम बाय समथिंग। या बैंड बजी पड़ी है बंदों से फाइट कर करके। ये क्या है? हेक्सागन पीस। ओके यार तू एक बात बता, तूने मेरे को सब मशीन गन बेची है, कुछ इसके मतलब क्या? तो दे थोड़े डायमंड शायमंड मिले थे वो इसको मैं बेच देता हूँ। तो मैं अभी सब मशीन की 30 गोलियाँ बना सकता हूँ इस रिसोर्सेज का यूज़ करके जो कि मेरे पास आ गई है। बोल्ट थ्रोअर बनाने के लिए ना मुझे 2 नाइफ चाहिए होंगे। यार तू नाइफ बेचता है क्या? मेरे को नाइफ चाहिए। नाइफ यार मेरे को ना ढूंढने ही पड़ेंगे तभी मैं उसे क्राफ्ट कर पाऊँगा। खैर ठीक है, बहुत बातें शाते हो गई, यहीं जाना है क्या? यहाँ पर एक लिफ्ट है, आगे भी सीढ़ियाँ जा रही थी, यहाँ इधर नहीं गया मैं। 3-4 रास्ते आ गए भाई अचानक से। ये रास्ता तो शायद से मेरे को ऐसा लग रहा बंद होगा। ओ ये खुल गया भाई, कितने सारे रास्ते आ गए हैं, अभी मैं कहाँ जाऊँ कुछ नहीं समझ आ रहा। एक सीढ़ी इधर है, एक लिफ्ट जा रही थी, मेरे को लेक की दूसरी साइड पे आना था ना, मैं आ तो गया, यहीं कहीं उन्होंने छुपा रखा। वेट वहाँ क्या है? वो लेक में कोई पुलिस वाला, वो दूसरा पुलिस वाला, ये रहा, ये पक्का वही है क्या? हाँ भाई ये उसका तो सर ही नहीं है। एक पुलिस वाले को जलाया था और जो दूसरा गायब हुआ था उसको उन्होंने पानी में डुबो दिया। और ये तो भाई मोटर बोट में घूम रहे, कैसे ज़ॉम्बी है ये भाई? नहीं यहाँ पर तो कोई सी मॉन्स्टर भी है। ओके भाई ठीक है भाई, वो कहाँ पर गए, गायब हो गए? इसका बोट सब गायब होगा, वो तो खा गया उसे, बट वो बोट कहाँ गई भाई? पता नहीं भाई, मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी ना, ये मामला थोड़ा सर के पार हो रहा है। ये रास्ता कहाँ जा रहा है नहीं पता, मैं इधर नहीं जाने वाला अभी भाई, अभी तो बिल्कुल नहीं, मेरे पास नहीं है अभी ताकत उस सी मॉन्स्टर से लड़ने की, वो अगर आ गया ना तो खा जाएगा। एक बारी लिफ्ट वाली साइड पर चल कर देखते हैं, क्या पता थोड़ा सेफ सीन हो। बट भाई कितने रास्ते आ गए, एक रास्ता इधर भी जा रहा है, ये भी कोई नदी की तरफ ही जा रहा है, और एक इधर लिफ्ट जा रही है, और एक रास्ता है जिधर से मैं आया हूँ। ठीक है भाई, पहले इस लिफ्ट में चलकर देखते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ, पता नहीं। Welcome, stranger. I believe this is your first. टारगेट प्रैक्टिस रूल्स, डिस्ट्रॉय द पायरेट्स एंड शूट फॉर द हाई। अरे मैं प्रैक्टिस करने आ गया कहीं तो? अरे ये तो शूटिंग रेंज है भाई, छी मेरे को नहीं करनी प्रैक्टिस, मेरा एम अच्छा है, भाड़ में जाओ भाई, दिमाग की रही, मेरे को मिशंस पे जाना है। ये एरिया उस दुकान वाले ने बना रखा है अपना प्रैक्टिस कर, उसको सामान बेचने से मतलब है, मेरा चाहे कुछ भी होए। पागल आदमी, तेरे गोली मार दूँ किसी दिन, तेरी दुकान में ग्रेनेड फेंक दूँगा, टाइम वेस्ट कराता है। यहाँ चलते हैं भाई, ये वाली जगह मेरे को थोड़ी सी तो मस्त लग रही है, मतलब अब मस्त तो हो वाली थी, पर अभी उस मस्त चीज़ के लड़ने के लिए ना वेपन्स नहीं है। SMG की गोलियाँ होनी चाहिए यार थोड़ी, और मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ, पर चीज़ें भी तो मिले। यहाँ क्या है? अरे नाव चाहिए होगा आगे जाने के लिए, नाव। ओह वेट, यहाँ से तो मैं आया हूँ, इधर कुछ और है, दराज है एक,
चाबी डालो भाई इसमें। और ये जो की है ये वन टाइम यूज होती है क्या? ओके ब्रास पॉकेट वॉच, ये मैं उसे बेच सकता हूँ। पर यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा अभी यहाँ पर। ओवे इधर भी कुछ नहीं है, कुछ तो है जो मैं इधर मिस कर रहा हूँ। या फिर ऐसा होगा कि यहाँ पर कोई बोट वोट लेकर आनी होगी तब मैं यहाँ पर जा सकता हूँ। फिलहाल अभी स्विम करके तो मैं नहीं जा सकता और इधर से कोई आगे जाने का रास्ता नहीं है, तो ये रास्ते पे हम लोग अभी नहीं जा सकते। वापस चलते हैं यहाँ से, मुझे कभी कोई दूसरे रास्ते पे जाना होगा। लेट्स गो, वापस से ऊपर आ गए हैं। एक रास्ता मुझे क्लियर हो गया, मैं यहाँ पर नहीं जा सकता। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पे। लिफ्ट वाला भी क्लियर हो गया। अब मेरे हिसाब से यही रास्ता बचा है जहाँ पर मुझे मॉन्स्टर दिखा था, मुझे यहीं जाना है। ठीक है भाई, गेम ने प्लान कर रखा है मेरी फ़ाइट कब किससे और कैसे करानी है। चलो भाई लेट्स गो। अगर अभी फाइट हुई तो अब मैं रेडी हूँ मारने के लिए, देखी जाएगी। फिलहाल डब्बे फोड़ो, अंदर कोई है? यहाँ तो कोई नहीं, पीछे भी एक दरवाज़ा है। थोड़ा सामान वामान मिल रहा भाई, काफ़ी सारा पैसा वैसा। ओ हर्ब्स भी हैं इधर हीलिंग के लिए, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ यार। अभी से हील लूँगा तो बढ़िया रहेगा ना। इसको क्राफ्ट करूँ अगर मैं इसके साथ तो ये मेरे को हील देगा, जिससे मेरा ये मेरी हेल्थ बढ़ाएगा बट हील नहीं देगा। हील मेरे को देगा ये स्प्रे। डन, अभी मैं फुल हेल्थ हूँ। अभी मुझे कहाँ जाना है भाई? यहाँ, ओ यहाँ पर है नाव, तो इस नाव को घुमाकर मैं शायद से दूसरी साइड पे ले जा सकता हूँ। पर पानी में मॉन्स्टर था भाई, ठीक है, और ये बात मैं भूला नहीं हूँ, मेरे को याद है। ये क्या है? हेक्सागन पीस। फ्यूल, फ्यूल इसमें एम्प्टी है, तो मैं कहाँ से भर दूँ इसमें फ्यूल? फिल द टैंक व्हेन यू आर डन। फ्यूल कहाँ मिलेगा भाई? वो डब्बा वब्बा पड़ेगा यार। ये वाला जगह तो मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ। यहाँ पर एक सीढ़ी है, यहाँ से ऊपर चलते हैं। समझ नहीं आ रहा उसमें फ्यूल मैं कहाँ से ला कर डालूँगा। क्या पता यहाँ कोई डब्बा वब्बा पड़ा हो। इधर कुछ तो है। वेन लो ऑन बोट, ओ ये रहा ये रहा। वेन लो ऑन बोट फ्यूल, द बोट फ्यूल इज स्टोर्ड विद द जनरेटर फ्यूल इन साइड द प्रोसेसिंग बिल्डिंग एट द फिश फार्म, टेक ओनली व्हाट यू नीड। ओके, फिश फार्म पे उन्होंने फ्यूल रखा हुआ है, वहाँ से मुझे मिल जाएगा। पीछे कौन सी जगह है ये? मैं गलत तो नहीं जा रहा ना? फिश फार्म आगे हो सकता है, मैं शायद ऐसे लग रहा है किसी। ओ भाई मैं गलत आ गया भाई। ओ भागो 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 भागो। ओ ये कौन है? ओ पागल है भाई तू तो। ओ भाई साहब स्नाइपर से भी कुछ नहीं हुआ। मर गा। अरे भाई वो गाय था इंसान था समझ नहीं आया, पर जो भी है बहुत डेंजरस है। ओ तुम कौन हो? ओ पागल ओए तू ले ये ऐसे की तैसी। ओ भाई मर जा प्लीज बुढ़िया पागल प्लीज। नहीं 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 और नहीं और नहीं, मैं नहीं लड़ रहा तुमसे, तुम डेंजर हो भाई। भाग 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 भाग। ओ बच गया। वेट मरो भैंस की तुम्हारी। तीन एसएमजी की गोली मार दूंगा यूं करके। एसएमजी नहीं थी ये। ओ भाई आजा आजा तू भी आजा ना। ओ तेरी ये पिटेगी यार, ये पिस्टल कूड़ा है भाई, निकल यहाँ से। ओ भाई साहब वो क्या आया था भाई, अजीब सा मॉन्स्टर डरा दिया था भाई उसने गलत लेवल। मेरे को समझ नहीं आया, मैं शायद फिश फार्म की साइड पर ही आया हूँ ये, पर पता नहीं। ओ वाओ बोल्ट्स मिले नाइस। तो ये जो मैंने गन खरीदा है ना उसने मेरे को चेप दिया भाई। ये फालतू गन है, मतलब फालतू तो नहीं है, थोड़ा ऐसे क्रोसपो वाला है ये बोल्ट थ्रोअर। मुझे पता नहीं था बोल्ट थ्रोअर ये होता है, मतलब मैंने हमेशा से इसे क्रोसपो नाम से सुना है। यहाँ पे भी काफ़ी सारा सामान है अपने काम का। हैंड ग्रेनेड नाइस। और कुछ पड़ा है क्या काम का? तू बेटा गया, तेरे मैं बोल्ट थ्रोअर मारूंगा। ओ तेरी भाई पूरी हेल्थ खा गया। अब इसके स्नाइपर पड़ेगी देखना, ऐसा रुला दूंगा ना इसको, जिंदगी में नहीं चला गया। ओ भागो, मैं हील कर लेता हूँ भाई पहले, मैं वरना मर जाऊँगा सच में। मरा नहीं ना, हेडशॉट नहीं गया यार।
गया। स्नाइपर की ना बुलेट बहुत ज़रूरी है, वो राइफल के लिए मेरे को चाहिए होगा। और बहुत लोग हैं यार इधर, ये कुछ तो अजीब आवाज़ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़ॉम्बी का ये, वो अपने विकसित रूप में चला गया। पीछे से आ गया वो, ऑलमोस्ट कहीं से तो आया वो। भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई। ओ चल, गिव मी अ ब्रेक ऑलरेडी। भाई रुक लो यार, रुक लो दो मिनट, सांस लेने दो मेरे को। यस, इधर कहीं तो ट्रिप आ रहा है, उधर सांप भी है। नाइस, इधर मैंने सांप देखा था गाइस। अरे क्या यार, गोलियां ही नहीं बची अभी तो। आ जा बुड्ढे भाई। सबसे ज़्यादा काम तो देखो पिस्टल ही आती है, मैं इसे अपग्रेड करवाने वाला हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा गोलियाँ इसी की रहती हैं। तू मर जाएगा। ख़त्म भाई, मैं भाई नल्ला हो गया हूँ। निकल, वो सांप, सांप को पीटूंगा पहले। इधर आ बेचूंगा तेरे को ले जाके। चल लाओ भाई हैंडगन का दो एमो। 5 गोलियां भाई, गोलियां खरीदनी है मेरे को भाई। फाइनली मैं कुछ क्राफ्ट कर सकता हूँ क्या अपने लिए? हील कर सकता हूँ फिलहाल, नहीं कर सकता हील भी। हाँ मेरे पास 2 स्प्रे पड़े हैं, बाद में यूज़ करूँगा यार। अभी ना मैं जाते ही सब मशीन गन खरीदने वाला हूँ सबसे पहले, वो ज़्यादा ज़रूरी है वो। ये तो सब फालतू है। यहाँ पर एक है, इसको फोड़ो भाई। यहाँ पर कोई नया रास्ता है ना? डन भाई, अभी मैं आया हूँ किसी दूसरी साइड पे। अंदर शायद मेरे को टैंक मिल जाए, गोलियां भर। ओ नाइस भाई, फ्यूल मिल गया, उठा लो भाई इसको, बोट फ्यूल। और कुछ काम का है, अंडा है भाई, अंडा खाऊंगा, हीलिंग फुल भाई। ये अंडा बहुत सही है। हैंड गन एमो, पिस्टल अपग्रेड करनी है भाई, ये बहुत ज़्यादा काम आती है। या तो मैं सब मशीन गन खरीद लूँगा अगर सस्ती हो रही होगी तो, वरना तो मैं पिस्टल अपग्रेड करने वाला हूँ। वैसे मेरे पास पैसे हैं पिस्टल। तू इधर आ, सांप बेचूंगा भाई, सांप बहुत महंगा बिकता है। चलो भाई चलो, ये एरिया मैंने पूरा खाली कर दिया, बट थोड़ी बहुत ना ढूंढा ढांडी करनी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ना चीज़ें रहती हैं जो कि फिर बिक जाती हैं अच्छे खासे रेट पर। स्मॉल की, ठीक है, ये स्मॉल की से बहुत सारे ड्रॉर्स वगैरह ओपन हो जाते हैं जो लॉक्ड होते हैं। बाकी मस्त है, शॉटगन का भी एमो मिल गया यार। इस बार तो सच में फ़ाइट में ना बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो गई, सारी गन्स, स्नाइपर की भी एमो मैंने बहुत यूज़ कर दी खाली पीली। और ठीक है, चीज़ें वापस मिल भी रही हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। पैसा भी काफ़ी सारा मिल गया तो मैं जाके परचेज़ कर सकता हूँ। बट हाँ, अभी मेरे को जाके बोट चलानी है पहले। जल्दबाजी नहीं यार, क्या यार, एक और स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा, लास्ट था मेरे पास हीलिंग का। और कुछ नहीं है क्या? छोड़ो कोई नहीं, खरीद लेंगे अभी मैं हील नहीं कर सकता, मैं फुल हेल्थ हूँ। बंदे वापस आ चुके हैं। अरे अभी आगे जाने के लिए रास्ता और नहीं है क्या? ओ मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा ना चक्कू से मारना, कम से कम बुलेट्स यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा बंदे किल करूँगा ना। वो विकसित हो गया भाई, 3 गोलियां खाएगा अबे। नहीं यार, मैं ऐसे क्यों करता हूँ? सारी पिटाई ना मेरी गोलियां बचाने के चक्कर में होती है। मैं जब भी ट्राई करता हूँ ना कि यार गोलियां ना चलाऊं, चाकू से मारूं, तभी कोई ना कोई गड़बड़ जाती है और भाई वो लोग पीट डालते हैं मेरे को। फिर मैं सही जा रहा हूँ ना? हाँ सही आ गया, सही आ गया। मैं आया था
पता नहीं कहाँ से आता वो हीलिंग। नाइस, लाओ भाई हील करो। क्राफ्ट करते हैं इसे इसके साथ और इसे यूज ही कर डालता हूँ मैं। लेट्स गो, हम लोग आए थे इधर से। चलो भाई, बोट का अपने पास फ्यूल है, हेल्थ फुल है। अब चलते हैं किसी एक नई लोकेशन पे। अब बस सी मॉन्स्टर में से मजे न ले। देख ले भाई, अभी अभी मैं रेडी नहीं हूँ। बराबरी का मुकाबला नहीं होगा, आराम से निकल कर आइयो जो भी है। तो चुपचाप अभी बोट में बैठ के बोट ले जाने थे दूसरी जगह पर। एक तुमको मालूम ही नहीं जाना कहाँ पर है। ये लो भाई फ्यूल तो डालो। खैर, यस, ओह क्या प्यारा साउंड है। लेट्स गो, अभी बोट स्टार्ट हो जाएगा, हो जाना चाहिए, ख़राब ना हुआ तो। मच्छर हट जाए यार, तू बिल्कुल मुंह पे ही जा रहा है। लेट्स गो, डर लग रहा है इस टाइम बस थोड़ा सा। ओए, ओ भाई पागल है क्या भाई, पिटे भाई। मैं बोल रहा था भाई खराब होएगी। टालो जाओ भाई प्लीज, शॉटगन की भी थी भाई। थोड़ी साइड साइड चला कर ले आता, एकदम बीच से ला रहा भाई। ये गॉडज़िला जैसा है भाई, कुछ तो निकल के पीटने वाला है अभी। भाई क्या है ये, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। वो ये तो खींच के ले जा रहा है कहीं। डिफीट द लेक मॉन्स्टर, पागल हो गया क्या। मारू इसे, नाइस। अच्छा मेरे पास बहुत सारे हैं क्या, ये मारो ले ले। ये मेरे को भिड़ाने का ट्राई करेगा भाई। ओ नहीं, क्या मैं सेफ हूं या नहीं। बच गया बच गया बच गया। तेरी ऐसी की तैसी ले। मेरे को ही पत्थर वत्थर में भिड़ाने का ट्राई कर सकता है। ओ पानी से बाहर निकल फट्टू। अब तो मजा आ रहा है भाई इसका फाइट में। ओ भग गया, अरे मेरी बोट चल नहीं रही है वैसे। ओ मार दे गए तो, मैंने उसके मुंह के अंदर ही डाल दिया भाई। फिर से पकड़ लिया उसने, स्पीयर पूरा फेंक के मारा भाई मुंह में, मजा आ गया उसके। पकड़ 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 भाई, कितने हिट मार दो यार उसके। कोई हेल्थ वेल्थ है यार, पिटने के लिए आया वो मेरे को तो पहले। ओए क्या, मैं मरने वाला हूं। बच गया क्या फिर से। ये रस्सी से क्या बन जाती है। वो कहां जा रहा है वो, रुक। मरेगा ही नहीं यार मेरे को तो ऐसा लग रहा है। अनलिमिटेड हेल्थ है इसकी, पूरी लेक लाल हो जाएगी, पर ये नहीं मरने वाला। इसको पाला किसने यहाँ पे इतने बड़े को। ओ नहीं 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 नहीं, हटो मच्छर, लड़ाई चल रही है। वो आने वाला कहीं से तो आने वाला। वो दे दिया क्या मैंने इसके अंदर। ओ भाई दे दिया भाई, नहीं जिंदा है वो, मर गया भाई। मेरे को लगता नहीं है सच में मरा होगा, क्योंकि ये लोहे हाथ से खून आ रहा है भाई इसके तो। बेहोश हो गया भाई अपना, क्या मॉन्स्टर को मार के खुद बेहोश हो गया भाई। चैप्टर 3 भी एंड हो चुका है, बट जो भी है इस चैप्टर के एंड में हम लोगों ने एक सी मॉन्स्टर को मार दिया, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। बट एक और मॉन्स्टर शायद अभी बाकी है, जिसकी वो बड़ी कुल्हाड़ी देखी थी ना, उसकी आवाज़ भी सुनी थी, उसका मैंने दरवाज़ा भी देखा था।
मेरे को ऐसा लगता है शायद नेक्स्ट चैप्टर में अपनी फाइट उससे होने वाली है, बट जो भी है आई होप आप लोग को आज का ये वाला गेम प्ले वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर एम करते हैं 450,000 लाइक्स के लिए। यार आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है मुझे मालूम है, तो फटाफट से जाके लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।